देखिए, हमारी लड़ाई होती है आइडियोलॉजिकल होती है, सरकार से होती है। चेयर में बैठे हुए इंसान पॉलिटिकल पार्टी से परे होते हैं। इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर फैसला किया है। मैं मानता हूं कि ज़रूर चेयरमैन साहब को भी इसके ऊपर संज्ञान लेके डायलॉग करना चाहिए। वो चेयर है, वो हमारे लिए सम्माननीय चेयर है। हमारी लड़ाई उस चेयर से नहीं है। The opposition is not being allowed to raise people's issues. The first time in history, the government is disrupting parliament. The treasury benches are disrupting parliament. देखिए, हमारी लड़ाई होती है आइडियोलॉजिकल होती है, सरकार से होती है। चेयर में बैठे हुए इंसान पॉलिटिकल पार्टी से परे होते हैं। और आज तक चाहे कोई भी सरकारें रही, कभी इतना नाराज ऑपोजिशन को चेयर ने नहीं होने दिया। अब आप सब भी देखते हो, लाइव डिबेट जाता है। रूलिंग पार्टी कल चिल्ला रही थी, वो राज्यसभा टीवी में चिल्लाने वाले सीन आ रहे थे। हम कोई नारा लगाते हैं कभी इश्यू पे, तो कैमरा हमारे ऊपर नहीं घूमता है। क्यों ऐसा हो रहा है? आज नड्डा जी बोल रहे थे, उनका माइक लगातार शुरू रहा, 12-13 मिनट तक वो बोलते रहे, कोई कंटेक्स्ट नहीं था। एक बार उसको टोका नहीं गया, एक बार उसको रोका नहीं गया। और खड़गे जी खड़े होते हैं, कुछ सेकंड हुए उसको टोका रोका जाता है, उसका माइक बंद होता है। प्रमोद तिवारी जी खड़े हुए, कुछ सेकंड के लिए बात हुई, उनका माइक बंद हो जाता है। डायरेक्ट ओबेरॉय जी को कहा गया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाओ, जैसे ही खड़े होते हैं हाउस एडजोर्न कर दिया जाता है। तो हमारी लड़ाई चेयरमैन से नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तो इंडिया ब्लॉक के सभी लोग इकट्ठे होते, इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर फैसला किया है। मैं मानता हूं कि ज़रूर चेयरमैन साहब को भी इसके ऊपर संज्ञान लेके डायलॉग करना चाहिए। वो चेयर है, वो हमारे लिए सम्माननीय चेयर है। हमारी लड़ाई उस चेयर से नहीं है, हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, सरकार के रवैये से है, सरकार की बातों से है। पर वहाँ सरकार अगर चेयर को आगे करती है, तो मैं मानता हूँ कि चेयर को भी संज्ञान लेके ऑपोजिशन का विश्वास जीतना होगा, तभी एक सही संदेश जाएगा। देखिए, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक साथ है। जो भी साइन हुए उसमें इंडिया ब्लॉक की एक भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है। सभी इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें साइन किया है और सभी ने मिलके, अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर दुख की बात है, मैं कहता हूँ कि हमारे लिए भी, क्योंकि हमें चेयर से नहीं लड़ना है। और जब तक छोटी छोटी घटनाएँ घटती है, कोई भी ऑपोजिशन ये बातें नहीं करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चेयरमैन साहब खुद इसको अपने तरीके से, अपने आप में देख के जरूर इसको ठीक करें, ये मैं उम्मीद रखता हूं। The All India Trinamool Congress has walked out of the Rajya Sabha in pursuit of our constitutional rights, in order to protect constitutional parliamentary democracy. We have given in our resolution of no confidence. Why have we given in our resolution of no confidence? Because the Modi government is murdering parliament. The Modi government is subordinating high constitutional offices to executive power. The basic principle of parliamentary democracy is that the government is responsible to parliament. The government cannot take any arbitrary decision without the approval and scrutiny of parliament. Parliament works through debates, parliament works through the committee system. This system is being completely destroyed by the BJP. The opposition is not being allowed to raise people's issues. Today every household is tortured by rise in vegetable prices, food prices. Every household is tortured by unemployment. Every household is tortured by youth unemployment. Today, almost over 30% of children are suffering from stunting due to lack of nutrition. Manipur,
is burning for 20 months. Is Manipur not part of India? Are the citizens of Manipur not citizens of India? Prime Minister has not visited Manipur even once. So, because we are not being able to bring up the people's issues in Parliament, every time we bring up the people's issues, we are stopped. And you know, for the first time in history, the government is disrupting Parliament. The Treasury benches are disrupting Parliament. I have never seen this. I was a former journalist. I used to cover Parliament. I have never seen a situation where the government itself is disrupting Parliament and the Treasury benches are disrupting Parliament. In view of democratic principles, and to protect democratic principles, and to protect the institutions and principles of parliamentary democracy, we have submitted our resolution of no confidence.